अच्छा चलिए कल का प्रीव्यू शुरू करते हैं। पहला मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी। आरसीबी अभी अपना मैच रौंद के आ रही है एसआरएच को, एसआरएच के घर में 200 मारे एसआरएच को उखाड़ के रख दिया उनके बॉलर्स ने। तो अब गुजरात टाइटंस अपना मैच हार के आ रही है दिल्ली से, वो भी बड़े पास पहुंचे लेकिन जीत ना पाए। तो दोनों टीम्स के लिए, आरसीबी के लिए इज्जत की लड़ाई है, लेकिन जीटी के लिए भाई 9 में 4 जीते हुए हैं। अगर जीतेंगे तो ऊपर आ सकते हैं, कन्विंसिंग विक्ट्री हो गई तो भाई 5 नंबर तक भी आ सकते हैं, दिल्ली को नीचे कर सकते हैं। और जीटी के लिए है कि भाई क्या आप टॉप 4 का फिर से एक सपना देख सकते हैं, वो तभी मुमकिन है अगर कल आप जीते। आरसीबी के फैंस को भी लग रहा है यार मैथमेटिकली पॉसिबल है, प्ले ऑफ होगा नहीं वैसे, लेकिन चलो एक मैच जीतो तो सही, अपनी इज्जत तो बरकरार रखो। जैसे एसआरएच को जीत के आरसीबी वालों को कुछ तो मिला, वरना बेचारे नीचे मरे पड़े हुए थे। जैसे आज मुंबई इंडियंस का हाल कर दिया डीसी ने, मरे पड़े बेचारे नीचे लेटे हुए एक दूसरे की शक्लें देख रहे, करे क्या, मुंह पे उनके बिच्छू छोड़ के जा रहे लोग कि मरो बैठ गए आप। खैर आप बताइए कल आरसीबी वर्सेस जीटी क्या लग रहा है आपको? यार आरसीबी की अगर बात करें, पिछले 2 मैचेस से कहीं ना कहीं जो फाइट थी ना वो मिसिंग थी। केकेआर के अगेंस्ट इन्होंने आरसीबी की बात करने के लिए चश्मा डाल, आखिरी ओवर तक लेके गए है ना, एक रन से हारे वहां पे, बाकी टीमों की तरह लांती तरीकों से नहीं हारते एक तरफा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो उस मैच में अपनी फाइट दिखाई, फिर उसके बाद या आपका एसआरएच वाला मैच आया जहां पे आपने हराया किसको, एसआरएच को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है टॉप 4 के अंदर, भैया टॉप 2 में आती है, टॉप 3 में आती है, और उनको आप कहीं ना कहीं जब बिखेर के रख देते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एसआरएच जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को आपने बिखेर के रख दिया, और 200 के आसपास का टारगेट था वो भी चेज नहीं करने दिया जो टीम 250-300 की बात करती है। तो आरसीबी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। और रही बात क्वालिफिकेशन की, देखो क्वालिफिकेशन टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है सिनेरियो, मैंने बताया था वो सिनेरियो इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक टीम को अपनी इज्जत के लिए खेलना है और ज्यादा कोई बैगेज नहीं है, अब सीधी सीधी बात है कि आरसीबी और पंजाब ये दो टीम है जो कि बाकी टीमों के लिए पार्टियां बिगाड़ रही है और कुछ भी नहीं है, पंजाब है ना अभी भी चल रहा है। और ये आप देख रहे, ये आप देख रहे ना कि आपका जो कल का मैच है ना, मुझे लग रहा है कि आरसीबी जीटी की पार्टी बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी। गुजरात टाइटंस पूरी तरह से पैनिक करते हुए दिख रही है, शुभमन गिल के अलावा मुझे समझ ही नहीं आता कि किसी का बल्ला उस हिसाब से चल ही नहीं रहा है, एंड में जाके कर जाते हैं। और जीटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, जहां ये टॉस हार गए और जहां इन पे बात आ गई कि इनको पहले बैटिंग करनी है, जीटी की बैटिंग जीरो कॉन्फिडेंस देती है मेरे को। यू मीन प्रेशर में आ जाते हैं, जिस दिन जीटी चेस करता है ना उस दिन रहता है इनका 100% कॉन्फिडेंस, लेकिन जब ये पहले बैटिंग करने आ जाते हैं ना आपको ज्यादातर इनका ना बिखरना ही दिखा है। दिल्ली का ज्यादा चेज भी नहीं हुआ, दिल्ली का गेम जब खेले थे घर के रह गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आरसीबी का चांस अब थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, बेहतर खेल रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, रजत पाटीदार इन फॉर्म, कैमरन ग्रीन इन फॉर्म, विराट इन फॉर्म, फैफ इन फॉर्म, तो आपकी बैटिंग इन फॉर्म है, आपकी बॉलिंग ने पकड़ ली, स्वप्निल आप जो लेके आए थे, कंच शर्मा ने जिस हिसाब से बॉलिंग कराई, पेसर्स सिराज ने भी अच्छी करी, दयाल ने भी अच्छी करी, तो आरसीबी इज बैक इन फॉर्म। एंड उम्मीद करते हैं कि भाई खुद तो क्वालिफाई नहीं करना ये पता है, लेकिन अब दूसरों को बर्बाद करेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे सनम गुजरात टाइटंस। देखो कल आरसीबी सच में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रांग है, बस थोड़ा सा अगर थ्रेट कोई हो सकता है ना आरसीबी के लिए वो है नूर और राशिद की स्पिन बॉलिंग, ये 8 ओवर जो बीच में आएंगे अहमदाबाद की वो बड़ी साई किशोर भी, साई किशोर भी हो सकता है, हाँ साई किशोर भी हो सकते हैं, लेकिन नूर और राशिद स्पेशली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार अहमदाबाद का ग्राउंड डीसी की तरह बहुत छोटा है, फिर चिन्ना स्वामी की तरह बहुत 55 मीटर की बाउंड्री है, तो स्पिनर्स गेम में आएंगे कल के मैच में तो। बट मुझे फिर भी ये लग रहा है कि आरसीबी जीतेगी, और जीटी लास्ट मैच में तो भाई चेज भी नहीं कर पाई थी, डेविड मिलर ने इतनी अच्छी नहीं खेली थी, उसके बाद भी आरसीबी भले ही पिछला मैच जीत के आ रही है, कह सकते हो आपको एक कॉन्फिडेंस उनको मिला है कि हाँ हम भी मैचेस जो है वो जीत सकते हैं, बावजूद उसके कि विराट कोहली की वो वाली इनिंग्स नहीं आई। यू नो अगर विराट के रन होते, उस लेवल के रन होते तो कहते कि यार विराट ने एक बार फिर से जिता दिया, लेकिन उस मैच में विराट की वो वाली इनिंग्स नहीं थी, बावजूद उसके आरसीबी जीती है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं आरसीबी की तरफ से, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो गई, नहीं जीतने दिया, और हैदराबाद जैसी टीम को उनके घर में जाके हराया तो। बट जीटी जो है ना वो यार 9 में 4 जीती हुई है, और उनके लिए ना अगर वो कल जीतते हैं तो वो जिंदा रहेंगे और बाकी कई सारी टीमों से आगे रहेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, सीएसके से ऊपर आ सकते हैं, अगर सीएसके कल हार जाती है तो उन वो उस लेवल से अगर हम देखें तो जीटी का कल मस्ट विन गेम है,
गुजरात टाइटंस का, और ये शुभमन गिल भी देख रहा होगा, ये आपका यू नो नेहरा जी भी देख रहे होंगे। अरे मैं जीटी की बात कर रहा हूँ, अरे भाई जी छोड़िए, अरे भाई हम जीटी की बात कर रहे हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं, एक मिनट सुन रहे तो सही, जीटी की बात हो रही है। तो जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भाई जीटी भी जीतना चाहती है, जो मर्जी आप कह ले, आरसीबी ने अच्छा, पिछला मैच जीता है, हमें लगा जीता है नहीं जीता, बट मैं कल जीटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कम ऑन गुजरात टाइटंस, नहीं आना और कुछ नहीं, जीतने को 10 रुपए नहीं आना। मैंने कभी भी गोबरा को आरसीबी को सपोर्ट करते हुए देखा ही नहीं, किया सपोर्ट, आप गलत कह रहे हैं, बात किया था बर्बाद हुए थे। देखो भाई कल के अगर मैच की बात करी जाए तो मेरे नजरिए से ये जो मैच है जीटी और आरसीबी के बीच में टीम्स हैं जो, या दोनों ही ऐसी टीम्स हैं जो एक दूसरे को एक टफ टाइम दे सकती हैं, बिकॉज दे आर इक्वली पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर pluses and then negatives. एक तरह से देखे जाए GT hasn't had a very consistent good season so far. वहीं अगर हम विराट कोहली की साइड आरसीबी की बात करें, अरे जीत रही है आरसीबी भाई, जीत रही है, आप ऑन पेपर देखो ये प्लेयर्स देख लो आप, विराट कोहली बहुत आगे आरसीबी ऑन पेपर, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, वेल हु इज बीन फिनिशिंग वेरी वेल फॉर देम, आरसीबी, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज और यश दयाल, और इंपैक्ट में आपके पास आते हैं प्रभुदेसाई, दूसरी तरफ रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, डेविड मिलर, अजमतुल्ला, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, साई किशोर, हां जी कोबरा कौन जीत रहा है, मैं जीटी की तरफ, राहुल नो डाउट आरसीबी, आरसीबी, पनौती, प्रियांशु जी, आज आपके लिए आया संदीप जी का भी कि प्लीज जर्सी मत पहनियो, नहीं पहनूं जी, साक्षी, कल मेरा आप सब के लिए आरसीबी को होल हार्टेड सपोर्ट है, मैं भी आरसीबी के साथ हूं, मुझे लग रहा है कल आरसीबी बहुमत